नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी जी उपलब्ध हैं और हम आज चर्चा करेंगे नरेंद्र जी से। तो नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद नरेंद्र जी। राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा है कि आपका भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में दो बार कार्यकाल पूरा हो चुका है और आपको हटाए जाने की चर्चा है, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में हमारे संगठनात्मक ढंग से एक व्यक्ति को दो कार्यकाल का अवसर मिलता है जी, और मेरे दो कार्यकाल भी करीब करीब पूरे हो चुके हैं। पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझ पर भरोसा करते हुए मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। अब आगे की जो भूमिका है वो पार्टी संगठन प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। जो भी होगा, अगर संगठनात्मक चुनाव होते हैं तो उस पर नई भूमिका किसी और को मिलेगी, मेरे लिए कोई नई भूमिका रहेगी, और जो भी तय करना है प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे एक कहावत है, एक अनार सौ बीमार। तो आज की तारीख में जिलाध्यक्ष पद एक है लेकिन उसके दावेदार बहुत सारे हैं। तो जितने दावेदार उभर कर सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए भी कुछ लोग ये कहते हैं कि इतने दावेदार अब आ गए हैं तो अब नरेंद्र त्रिपाठी जो है वो विधानसभा चुनाव कराने के बाद अब जो कुछ भी होगा होगा, अब कोई नया जिलाध्यक्ष नहीं बनने वाला। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और सभी के अपने काम करने का ढंग अलग अलग होता है। वो प्रदेश नेतृत्व तो लगातार देख रहा है और किसी न किसी व्यक्ति को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मेरा तो यह मानना है कि जो लोग पार्टी में काम कर रहे हैं वो सब बड़ी निष्ठा से काम कर रहे हैं और प्रदेश नेतृत्व तो उनकी सीनियरिटी, उनके काम करने का ढंग, उनका अनुभव और हमारे वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन, उन सब से बातचीत करके निर्णय पार्टी लेगी। जब भी निर्णय लेगी हम लोग तैयार हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी में अपने राजनैतिक जीवन की यात्रा कब और कहाँ से शुरू की थी? देखिए, मैं कॉलेज में पढ़ रहा था जी और मुझे याद है कि मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे में वार्ड का अध्यक्ष बना था जी। उस समय माननीय शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चे के जी। उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी प्रदेश अध्यक्ष बने जी। मैं उनके कार्यकाल पे युवा मोर्चे के नगर की टीम में शामिल हुआ जी। इसके बाद माननीय विपिन दीक्षित जी या अन्य लोग बनते गए, मैं युवा मोर्चे में जिले के कई दायित्वों पे काम करता रहा जी। फिर माननीय कमल पटेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने जी तो मुझे प्रदेश मंत्री बनने का अवसर मिला और मैं रीवा संभाग, शहडोल संभाग का प्रभारी रहा जी। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सतना जिले से प्रदेश की टीम में शामिल होने वाला मैं इकलौता कार्यकर्ता था और मुझे संगठन में प्रदेश के नेतृत्व, प्रदेश की टीम पे काम करने का मौका मिला। उसके बाद फिर सीधे अध्यापक प्रकोष्ठ में दो बार प्रदेश मंत्री रहा, भाजपा में लगातार दो बार जिला उपाध्यक्ष रहा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की वर्किंग कमेटी है जी, मैं उस टीम का मेंबर बना और उसके बाद 2016 पे मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला, तब से लगातार इस पद का निर्वहन कर रहा हूँ। आपके अंदर पार्टी ने ऐसा क्या देखा जो आपको जिलाध्यक्ष बना दिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे भी बहुत पैसे रुपयों में, सुख सुविधाओं में, योग्यता में, क्षमता में तमाम बहुत सारे लोग योग्य रहे होंगे लेकिन आपको ही क्यों बना दिया और लगातार दो कार्यकाल आपको दे दिया? ऐसी क्या योग्यता और ऐसी क्या क्षमता देखिए आपके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं जी और सब कार्यकर्ताओं का अपना एक जनाधार है, सब कार्यकर्ताओं के काम करने का ढंग अपना अलग अलग है। ये जरूर है, संगठन ये जिम्मेदारी वाला पद होता है जी और संगठन जब भी ये जिम्मेदारी किसी को या कोई भी दायित्व किसी को सौंपती है तो उस दायित्व के हिसाब से वो उनकी सीनियरिटी, उसके काम करने का ढंग, उसका अब तक का जो कार्यकाल था उसमें उस कार्यकर्ता ने अपना कार्यकाल कैसे पूरा किया, सबसे बड़ी बात होती है सामंजस्य बिठाना। और जो कार्यकर्ता अपने सभी वरिष्ठ नेताओं से, अपने सामान्य कार्यकर्ताओं से भी सामंजस्य ठीक से बिठा लेता है उसी को ज़्यादातर दायित्व में, मतलब ऐसे अवसर मिलते हैं। मैं तो प्रदेश को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझ जैसे कई कार्यकर्ता थे जो इस दायित्व का निर्वहन करना चाह रहे थे और उनमें भी वो योग्यता थी, लेकिन स्वाभाविक है पद एक है और किसी एक व्यक्ति को ही उस पर वो दायित्व दिया जाएगा। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, उसके लिए पार्टी को धन्यवाद। और सतना जिले के भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, जो मेरे वरिष्ठ लोग थे, वरिष्ठ नेता थे, उनका आशीर्वाद निरंतर मेरे को मिलता रहा। जो मेरे साथ हम समकक्ष हैं या हमसे थोड़ा जूनियर कार्यकर्ता है उनका भी स्नेह मिलता रहा
और यूँ चलता रहा चलता रहा, और हमारा पूरा कार्यकाल भी बहुत अच्छे ढंग से पूरा हुआ। बतौर जिलाध्यक्ष आपकी राजनीतिक उपलब्धियाँ क्या हैं? देखिए, जो भी संगठनात्मक ढंग से जब हमारा राजनीतिक दल कोई उपलब्धि हासिल करता है जी, तो वो किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हासिल करता है जी, वो पूरी टीम वर्क होती है। जब पूरी टीम एक साथ एकजुट होकर काम करती है तो हमें उपलब्धि हासिल होती है। कई बार जब राजनीति में समीकरण भी होते हैं, जब समीकरण गड़बड़ाते हैं तो कई बार हमें असफलता का सामना भी करना पड़ता है। मुझे याद है जब मैं 2016 से जब मैं जिलाध्यक्ष बना था जी, उसके बाद लगातार पिछले कार्यकाल में 2 विधानसभा जीते थे, लेकिन जब मैं जिलाध्यक्ष बना तो मेरे कार्यकाल पे पूरी टीम में मिलकर काम किया तो हमने 7 में 5 विधानसभा सीटें जीत ली जी। लोकसभा सीट भी जो हम बहुत कम अंतरों से जीतते थे, बड़े पिछले कार्यकाल में हमारे मतलब सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया तो बड़े अंतराल से हमने सीटें जीत ली जी। अभी भी आपने देखा होगा कि जो ये नगरीय निकाय के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हुए जी, तो पंचायत चुनाव पे भी हम लोगों ने लगभग 8 जनपदों में से हमने 6-7 जनपदों पे विजय हासिल की। जिला पंचायत का अध्यक्ष हमारा बना, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बने। ठीक उसी प्रकार जो नगरीय चुनाव हुए उस पर हमने 10 नगर पंचायतों में से 8 नगर पंचायतें हमने जीती, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। उसी प्रकार नगर पालिका मैहर भी हमने मतलब आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास है। नगर निगम के महापौर, नगर निगम के अध्यक्ष, कुल मिला के ये माना जा रहा है कि सतना जिले में एक परचम लहराया जी, और ये कार्यकर्ताओं की मेहनत, वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन और माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय बी डी भाई साहब के नेतृत्व में जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया, तो ये उपलब्धि मेरे कार्यकाल में मिली है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरी उपलब्धि है, ये उपलब्धि मेरे कार्यकाल में है, लेकिन मेरे साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी जो टीम है, भारतीय जनता पार्टी जो मोर्चा प्रकोष्ठों के लिए कार्यकर्ता है, उन सब ने मिलकर काम किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सतना जिले में अपना परचम, अपना झंडा ऊंचा किया है। आपने बताया कि इतना सारा हमने माने विधानसभा जीता, लोकसभा जीता, वार्ड जीता, पंचायत जीता, आपके ही कार्यकाल में 2 उपचुनाव भी हुए जिसमें एक चित्रकूट का उपचुनाव हुआ है और रैगांव का एक चुनाव हुआ। पूरी सरकार शीर्षासन कर रही थी तब, ये जो आपके सारे कार्यकर्ता थे जिन कार्यकर्ताओं के दम पे आप इतनी बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं, ये कार्यकर्ता कहाँ बिल में दुपक गए थे कि चद्दर ओढ़ के सो गए थे, कहाँ चले गए थे ये कार्यकर्ता? जबकि इन कार्यकर्ताओं के अलावा आपकी पूरी सरकार माने प्रदेश के तमाम नेता जो थे वो गलियों की खाक छान रहे थे, उसके बाद भी आप चुनाव हारे। देखिए क्या होता है, जो भी राजनीतिक संगठन होते हैं जब वो चुनाव लड़ते हैं तो अपनी प्लानिंग से लड़ते हैं, लेकिन कई बार समीकरण बनते हैं और समीकरण बिगड़ते हैं जी। जब भी त्रिस्तरीय मुकाबला होता है जी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा अपना वोट बैंक होता है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो आम जनमानस का रुझान होता है, वो समर्थन, वो जो ताकत हमें मिलती है, वो हमारे विजय के लिए पर्याप्त हो जाती है। लेकिन उपचुनाव के जो समीकरण थे, जैसे 2017 का उपचुनाव था चित्रकूट का, ऐसे ही अभी पिछला जो रैगांव उपचुनाव था, इन दोनों उपचुनावों पर सीधे सीधे उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ती जी। दूसरा विषय होता है कि हम जितनी ताकत से काम कर रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता जितनी ताकत से काम कर रहा था, उन दोनों जगह पे हमारे समीकरण ठीक से नहीं बैठ पाए, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो शासन की उपलब्धियां थी, जो शासन की हमारी योजनाएं थी, उन योजनाओं को हम नीचे तक जो पहुँचाना था, वो कार्यकर्ता वहाँ नीचे तक ना जाके वो दूसरे अन्य कामों में संलग्न हो गया, जिसके कारण कि हमें पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन ये सच है कि जरूरी नहीं कि लोकतंत्र में हम हमेशा विजय प्राप्त करें। सामने वाला राजनीतिक दल भी अपने ढंग से राजनीति करता है, उसके भी अपने टीम होते हैं, उसके भी अपने प्लान होते हैं। कई बार हमारे समीकरण बनते हैं, कई बार हमारे समीकरण बिगड़ते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा कहना यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समीकरण हमारे बने हैं, मैंने 2 उपचुनाव हम हारे हैं, इस बात को लेकर हमने कुछ सीखा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने सीखा, हमारे वरिष्ठ जनों ने आपस में बैठ के चर्चा की हमसे कहाँ चूक हुई, उसका ही परिणाम था कि अगर हम चित्रकूट उपचुनाव हार गए, लेकिन उस चुनाव के बाद जब हमने देखा कि यार हमने पिछली बार तो 2013 में हमने 2 ही सीटें जीती थी सतना में, 7 विधानसभा में, तो हमारी प्लानिंग अलग हुई, हमने कार्यकर्ताओं को दूसरे ढंग से मोटिवेट किया, हमको किसकी कहाँ किस काम की आवश्यकता है उस कार्यकर्ता को वहाँ जिम्मेदारी सौंपी, उसका परिणाम ये हुआ कि 7 में हमने 5 विधानसभा जीत ली, लोकसभा भी बड़े मतों से जीत ली। और रैगांव उपचुनाव हारने के बाद आज आप देखिए, उसी रैगांव उपचुनाव हारने के बाद हमने रैगांव में कोठी नगर पंचायत है,
हमने कोठी नगर पंचायत पे पर्याप्त मात्रा में पार्षद जीत के अपना नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया। आज कोठी के जिला पंचायत में देख लीजिए, ज़्यादातर जिला पंचायत सदस्य हमारे अपने सरपंच सदस्य हैं। आप वहाँ पे सरपंचों को देख लीजिए, ज़्यादातर जो सरपंच जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के या भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए कार्यकर्ता चुनाव जीते हैं। तो उस उपचुनाव से, उस हार से हमने सीखा है, हमारी टीम ने सीखा है, हमारे नेताओं ने उसके लिए अलग भूमिका तय की और कार्यकर्ताओं ने ढंग से काम किया, उसका परिणाम ये हुआ कि हम यहाँ पर विजय श्री हासिल किए। अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने कोई गुप्त सर्वे कराया है, उस गुप्त सर्वे में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही, 80 सीटें आ रही हैं ऐसे संकेत मिले हैं। उस पूरे सर्वे के मुताबिक जो लोग कहते हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा है, उसमें आपके जिले में 7 विधानसभा हैं, उस 7 विधानसभा में सर्वे के मुताबिक आप 6 विधानसभा हार रहे हो सतना में। नहीं देखिए, सर्वे अलग अलग ढंग से अलग अलग लोग कराते हैं, बहुत से हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी सर्वे कराते हैं, जैसा आपने कहा कि कुछ गुप्त सर्वे भी होते हैं, शासन प्रशासन भी कराता है, विपक्षी लोग, सबके अपने अपने ढंग होते हैं। मैं इस बात को तो नहीं, मतलब मेरा अपना मानना है कि 7 में 6 सीटें हम हार रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। हम ये मान सकते हैं कि 7 की 7 सीटों पर हमारी ज़बरदस्त फाइट होने वाली है जी, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज भी भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा में से लगभग हम 5 विधानसभा सीटें जीत रहे हैं। जो 2 सीटें हैं उन पे भी हमारा फोकस है, उन पे भी हमारा काम चल रहा है, और अंत में उन 2 सीटों पे भी हम कांटे की टक्कर देंगे और हम चुनाव जीतेंगे। अभी कुछ विधानसभा में स्थिति यह है कि आपके पास दमदार या जोरदार प्रत्याशी नहीं है, जैसे हम रायगांव की ही बात करें तो रायगांव में प्रतिमा बागड़ी चुनाव हारी हैं, पुष्पराज बागड़ी की टिकट काट दी गई थी, तीसरा कोई प्रत्याशी वहां ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो आपको चुनाव जिता सके। तो क्षेत्र में ये कहना है कि रायगांव में आपके पास कोई दमदार या मजबूत प्रत्याशी नहीं है जो रायगांव चुनाव में चुनाव जीत सके। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी में 7 विधानसभाओं में इतने योग्य लोग हैं, इतने अच्छे चेहरे हैं कि जिस किसी को भी भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी जी, वो व्यक्ति दमदारी से चुनाव लड़ेगा और जीत के आएगा, क्योंकि व्यक्ति नहीं लड़ता, हमारे यहाँ दल, जो हमारे दल है, जो हमारे कार्यकर्ता है, वो पूरा चुनाव हमारा कार्यकर्ता लड़ता है, और कार्यकर्ता भी लड़ता है तो उसकी अपनी प्लानिंग नहीं रहती, कार्यकर्ता भी लड़ता है तो हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है, प्रदेश का जो हमारा संगठन है, प्रदेश का जो नेतृत्व है, उसकी अपनी एक भूमिका होती है, उसकी एक कार्यप्रणाली होती है। हमारे पास हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने जनहितैषी इतने कार्य किए हैं जिसमें समाज के हर वर्ग को उसका फायदा मिल रहा है। हम उन जनहितैषी कार्यों को लेकर जाएंगे, हम समाज में उन लोगों को जिन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिला उनके पास जाएंगे, केंद्र सरकार की योजनाएं हम उनकी चर्चा करेंगे, और मैं दावे से कह सकता हूं कि अन्य दलों के पास तो कुछ भी बताने के लिए नहीं है, और हमारे पास हमारी सरकार ने इतना किया है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता अगर सरकार के किए गए कार्यों का वखान भी करेगा तो वो काम है जिसका लाभ हर आम आदमी को मिला हुआ है। आम जनता, आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से प्रभावित है, और उसको भरोसा है दल पे। आज यूं ही ऐसा नहीं है कि हम केंद्र में लगातार इतने प्रचंड बहुमतों से सीटें लेके हम सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार चला रहे हैं, ऐसा नहीं किसी व्यक्ति विशेष कारण है, टीम कार्यकर्ताओं का है। आज प्रदेश में हम 15-17-18 साल से हमारी सरकार है। चित्रकूट को लोग क्रिटिकल सीट मान रहे हैं, और कुछ ऐसी चर्चाएं भी हो रही हैं कि इस बार क्रिटिकल सीट होने के नाते सांसद गणेश सिंह को आप लोग वहां चुनाव मैदान में उतारने वाले हैं, ऐसी चर्चा है। क्या होता है कि कब किन परिस्थितियों में क्या निर्णय लेना है, ये सबके दायरे होते हैं। जिले का जो निर्णय होता है वो हम करेंगे, जिले का जो निर्णय होता है किस कौन से नेता का कैसे कहाँ उपयोग करना है, किसको कहाँ इन्वॉल्व करना है, किसकी क्या, उसके लिए हम अपने जो हमारी कोर कमेटी होती है, हम लोग कोर कमेटी के साथ बैठते हैं, वो विषय रखते हैं, निर्णय होता है। लेकिन ये जो विषय आप बता रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व, ये सब हमारे प्रदेश संगठन का मामला है और प्रदेश नेतृत्व विचार करता है। सांसद जी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लगातार 4 बार के सांसद हैं, अगर पार्टी उनके लिए जो उनकी भूमिका तय करेगी, सांसद जी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, वो उस भूमिका को स्वीकार करेंगे। ज्योतिरादित्य के सहयोग से जब से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनी है, तब से मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी लगातार संगठन विरोधी,
पार्टी विरोधी सरकार विरोधी बयान देते रहते हैं। आपने कभी कोई पत्र ऐसा लिखा भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व को कि सर ये हमारी भारतीय जनता पार्टी को संगठन को नुकसान पहुंचा रहे हैं इसलिए इनको निष्कासित किया जाए? देखिए क्या होता है, स्वाभाविक है, नारायण त्रिपाठी जी जनप्रतिनिधि हैं जी, मैहर के नेता हैं जी, लेकिन खाली मैहर नहीं, सतना जिले के अंदर जी जब भी कोई छोटी या बड़ी घटना होती है, कोई जब विषय आता है जी, तो जो विषय हमारे जिले के अंतर्गत का मामला होता है उसे हम लोग बैठकर यहाँ सॉर्ट आउट करते हैं, और यहाँ के कार्यकर्ताओं को चाहे वो सूचना हो या कारण बताओ नोटिस हो या बुला के बात करना हो या उनके विचार जानो, ये हम लोग करते हैं। लेकिन जब ऐसे विषय आते हैं जी, ऐसे विषयों की पूरी जानकारी प्रदेश संगठन को है, उनको भी रहती है, उनके अपने सोर्सेज होते हैं, लेकिन जिलाध्यक्ष के नाते हम लोग इन पूरे विषय की चर्चा ऊपर जाकर बाकायदे संगठन के जो प्रमुख जिम्मेदार लोग हैं उनसे चर्चा करते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, और निर्णय चूंकि उन्हीं के हाथ पर रहता है, उनकी अपनी भूमिका है, वो लोग तय करते हैं। ऐसी भी चर्चा है कि अगला जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें आप विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी हो सकते हैं? मेरा ये मानना है कि लगभग 30-32 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ जी, वार्ड अध्यक्ष से लेके प्रदेश वर्किंग कमेटी तक में काम किया, आज भी मुझे संगठन में काम करने में बहुत मज़ा आता है, एक आनंद की अनुभूति होती है, सभी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना होता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता की भूमिका संगठन तय करता है। नहीं, अगर संगठन ने तय कर दिया कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है तो अगर संगठन को ऐसा लगता है कि मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, लंबे समय से काम कर रहा हूँ, मैंने ईमानदारी से संगठन का काम किया है, फिर पार्टी देखती है कि इनका व्यक्तिगत खुद का जनाधार क्या है, मेरा मतलब मेरा सामंजस्य बिठाने की क्या स्थिति है, मतलब मेरी समाज के अंदर कितनी पैठ है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ऐसा लगता है और अगर वो आदेशित करती है तो स्वाभाविक है। और अगर उसने टिकट नहीं दिया तो भी चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, संभव नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी मेरे रग रग में बसी है, और भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझे जो कुछ भी मिला है संगठन से बहुत सम्मान मिला है जी, और मैं संगठन का बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक मेरा शरीर साथ देगा, मैं संगठन का ईमानदारी से काम करता रहूँगा। आज 30-32 साल की राजनीति में मैं कहीं डिगा नहीं हूँ, मैं कहीं भ्रमित नहीं हुआ हूँ। आज तक आपने देखा होगा सतना शहर के अंदर कभी किसी ने किसी भी चुनाव में मुझ पे उंगलियां नहीं उठी, चाहे प्रदेश का निर्णय मेरे लिए सर्वमान रहा है, मैं छोटा कार्यकर्ता था तब भी प्रदेश नेतृत्व तो जो निर्णय लेता था उस निर्णय पे मैं काम पे लगता था। आज पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लेकिन प्रदेश जो निर्णय लेता है, प्रदेश संगठन जो तय करता है, उस पे हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और आज तक मुझे जो भी मिला इसी संगठन के समर्पण के कारण ही मिला है, और मैं यह समर्पण जीवन में कभी खत्म नहीं कर सकता। जिस तरीके से जिलाध्यक्ष बदलने की बात चल रही है, अगर आपके हिसाब से जिलाध्यक्ष बनाना हो तो आप किसका नाम लेंगे? पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। नहीं, अगर किसी उन बहुत सारे कार्यकर्ताओं में जी 2-4-5 चेहरे ऐसे हैं जी जिन जो संगठन का अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्हें संगठन मतलब विचारधारा की समझ सबको, लेकिन संगठन में 2-4-5 कार्यकर्ता हैं जो इस मतलब जो इस पद के योग्य भी हैं जी, और उनके मैं उनके समर्पण में, मैं उनके निष्ठा में, मैं उनके काम करने के ढंग पे कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है जी, उन्होंने मेरी टीम में काम किया है, उनके साथ मैंने इसके पहले काम किया है, सबकी भूमिका अच्छी है। प्रदेश नेतृत्व प्रत्येक कार्यकर्ता के बारे में बहुत बारीकी से जानते हैं। लेकिन अगर आपको ये तय करना हो, आपसे अगर प्रदेश नेतृत्व पूछे कि आपको एक नाम बताइए तो आप किसका नाम देंगे? चलिए, जिस दिन प्रदेश नेतृत्व पूछेगा उस दिन उनको बता देंगे। अच्छा, कई बार संगठन और जनप्रतिनिधियों में कुछ बातचीत को लेकर के मनमुटाव होते हैं, ऐसी खबरें कई बार आती हैं कि संगठन ने जनप्रतिनिधि की नहीं सुनी या जनप्रतिनिधि ने संगठन की बात नहीं सुनी, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा परिवार है, विभिन्न अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग प्लानर सब तरह के लोग दल में काम करते हैं। संगठन में दो भाग होते हैं, हर दल में दो भाग होते हैं, एक होता है जनप्रतिनिधि, दूसरा एक होता है संगठन।
कई बार क्या होता है कि कुछ विषयों पे हमारे मतभेद नहीं होते, मनभेद हो जाता थोड़ा सा कई बार होता है कि जनप्रतिनिधि की इच्छा ये कि हम इस कार्यक्रम को इस ढंग से ऐसे यहाँ पर संपन्न करें, और संगठन चाहता है कि नहीं इस कार्यक्रम को हमको इस ढंग से ऐसे यहाँ करना है, वो भी अपने विचार रखते हैं, संगठन भी अपना विचार रखता है, उसके बीच में हम लोग सामंजस्य बना के हल निकालते हैं। और मुझे ऐसा कभी कभी कोई टकराव, मुझे लग रहा कि मैं 6-7 साल के बीच में जिले का, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कभी कि कभी कोई ऐसे टकराव की स्थिति नहीं आई जिसके कारण कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग दो भागों में बटे दिखे। कभी हमारी बातें जनप्रतिनिधियों ने मानी है, उन्होंने स्वीकार किया है, और कभी हमने जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी माने हैं, हमने उनको भी स्वीकार किया है। यही वजह है कि सतना जो ट्रिपल जिला, जैसे आप लोग कहते हैं बहुत ट्रिपल जिला, बहुत ट्रिपल जिला, तो 7 साल के बीच में ऐसी कोई टकराव की स्थिति नहीं। हाँ, हम लोग आपस में बात करते हैं, अपने विचार और अपने सुझाव का आदान प्रदान करते हैं। ट्रांसफर प्रमोशन में किसकी चलती है, संगठन की या जनप्रतिनिधि की? संगठन का काम अलग है और जनप्रतिनिधियों का काम अलग है, और हमारे यहाँ कभी हम लोग एक दूसरे के कामों पर दखलंदाजी नहीं देते। अच्छा, आप जिला अध्यक्ष थे तो कभी ट्रांसफर प्रमोशन के लिए आपको कहीं घूस घूस या रिश्वत उस्वत का कभी कोई माने ऑफर आया कि नहीं आया? लोग कहते हैं कि आता है। नहीं, स्वाभाविक है, क्या होता है, जो जिनके पास थोड़ा सा बेचारे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, देखिए जो कार्यकर्ता डायरेक्ट जुड़ा है उसे मेरा ये माना कि जो मेरा कार्यकर्ता है वो मेरे से डायरेक्ट जुड़ा है, और जो सामान्यतः जो मंडल का कार्यकर्ता है, पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता, वो तो बहुत दिलेरी से मेरे को फ़ोन लगाता है, भाई साहब ये, भाई साहब वो, अतः उसका हक भी बनता है। कई बार मेरे को भी लगता है यार कि बताओ तुम 11 बजे रात को मेरे को फ़ोन लगा रहे हो तुम्हारा, लेकिन मैं बोलता हूँ यार तुमने मेरे क्यों बोल रहे हो, उनको बोलो, तो बोलते भाई साहब क्यों नहीं आपको बोलेंगे, आप तो जिला अध्यक्ष। उसकी अपनी मतलब सोच है, और होना भी चाहिए कि अगर मैं जिले का मुखिया हूँ तो मेरा अपना कार्यकर्ता किससे बोलेगा। लेकिन ये तय है, कुछ लोग ऐसे कभी कभी आ जाते हैं जी, अरे कभी ऐसा प्रस्ताव आया कि सर झोला भरा है आप हमारा काम करा दीजिए, हम झोला झोला पलट देंगे? झोला भर के तो कोई नहीं आता, लेकिन ये कभी किया आता कि भाई साहब देख लीजिए कहीं कुछ कोई ऐसी व्यवस्था हो तो हमको बता दीजिए, तो मुझे हंसी भी आती है। मैं फिर उनको यही बोलता हूँ कि नहीं यार ऐसा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, बड़ी पारदर्शिता होती है। ट्रांसफर पोस्टिंग में भी हमारी कोर कमेटी होती है, हम कोर कमेटी में जो हम लोग माननीय सांसद जी हैं, माननीय स्थानीय मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, जिले के अध्यक्ष और सब लोग बैठते हैं, और कोर कमेटी बैठ कर लोग तय करते हैं कि ये प्रपोजल कार्यकर्ताओं के आए हैं, इन प्रपोजलों में किन किन प्रपोजलों कौन कौन से उचित काम है जिन्हें करना है, और वो प्रस्ताव बनाकर हम लोग मध्य प्रदेश सरकार को भेज देते हैं, उस पर कार्रवाई हो जाती है। कभी कोई एकाधिकार नहीं चलता, ना हम लोग चलाने की कोशिश करते, और इस तरह से जो अनजान है, जिनको जानकारी नहीं है, वो कई विषय इधर उधर से डालते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो आए और हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद।